हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े किस तरह से धोए जाए ताकि कपड़ों का वॉश रिजल्ट हमें अच्छे से अच्छा मिल सके। और जो तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यही तरीका आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वॉशिंग मशीन का वॉशिंग टब और यहाँ पर है मशीन के कंट्रोल नॉब बटन। यहाँ पर कुल चार बटन हैं। इसमें पहला वाला बटन है वॉश टाइम के लिए, जहाँ से हम कपड़े धोने के लिए टाइम लगा सकते हैं, जिसमें 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है कपड़े धोने के लिए और उसके आगे का टाइम है कपड़े भिगोने के लिए। मतलब कपड़ों को अगर धोने के पहले मशीन में भिगो कर रखना है तो आप 100 या फिर 45 मिनट तक रख सकते हैं। 45 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कपड़े भिगे रहते हैं मशीन के अंदर और फिर 15 मिनट से लेकर 0 तक कपड़े वॉश होते रहते हैं। बटन जब 0 पर आ जाता है तो एक बजर बजता है और कपड़े धोने का टाइम खत्म हो जाता है। तो आपको पहला धुला हुआ पानी ये 3 नंबर के ड्रेन बटन से बाहर निकाल लेना है। मशीन से पूरा पानी निकलने के बाद नॉब को फिर से सीधा कर देना है। कपड़े खंगालने के लिए हमें फिर से फ्रेश पानी लेना है और 10 या 15 मिनट फिर से लगा देना है। ये नॉब 0 पर जाने के बाद फिर से हमें पानी को ड्रेन कर देना है। पानी ड्रेन हो जाने के बाद वॉश टब में से कपड़े निकालकर हमें इस स्पिन टब में डाल देना है सुखाने के लिए। कपड़े डालते वक्त ये जाली आपको बाहर निकाल लेना है और कपड़े टब में डालने के बाद ऊपर से ये जाली आपको कपड़ों के ऊपर रख देना है ताकि कपड़े सूखते वक्त बाहर निकल ना पाए। और कपड़े सुखाने के लिए हमें यहाँ से 10 मिनट का टाइमर लगा देना है। कपड़े धोने के पहले आपको यहाँ से कपड़ों की कैटेगरी सेट करनी होती है। अगर बेडशीट रही तो हेवी, अगर मिक्स कपड़े रहे तो नॉर्मल और सॉफ्ट रहे तो डेलिकेट्स। अभी हम मिक्स कपड़े डालने वाले हैं इसलिए हम नॉर्मल पर सेट करते हैं। और अगर आप नल से पानी लेते हो तो वॉश पर मतलब नीचे के पानी गिरेगा और स्पिन में मतलब ये वाले टब में पानी गिरेगा। स्पिन में पानी ना लेते हमेशा वॉश में पानी लेना चाहिए। ये वाला फिल्टर आपको हमेशा साफ करते रहना है जब भी कपड़े धोना हो जाए। तो ये था सिर्फ मशीन को यूज़ करने का सही तरीका, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली मशीन को यूज़ कर देखते हैं कि मशीन में कपड़े कब और कैसे डालने हैं। सबसे पहले हमें मशीन में एक बकेट पानी भरना है। यहाँ पानी आप इनलेट पाइप से भी ले सकते हो जो मशीन के साथ आता है, या फिर आप बकेट से भी डाल सकते हो। इसके बाद हमें कपड़ों के अकॉर्डिंग थोड़ा पाउडर डालना है, जितना कपड़ों को यूज़ होगा उतना ही। उसके बाद फिर से हमें पानी भरना है कपड़ों के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी पाउडर हमने पहले पानी में डाला हुआ था उसका झाग ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमें कपड़े ऐड कर देना है। आप कैपेसिटी के हिसाब से कपड़े ऐड कर सकते हो। 8 kg की मशीन में आप मैक्सिमम 15 कपड़े डाल सकते हो, छोटे बड़े सब मिला के। कपड़े डालते वक्त कपड़ों को हमेशा चेक कर लीजिए ताकि कपड़ों में या कपड़ों के पॉकेट में कोई मेटल की चीज़ ना रह गई हो जिससे कपड़े फट सकते हैं। कपड़े डालने के बाद फिर से हमें पानी भरना है ताकि कपड़ों के ऊपर पानी आ सके। आप चाहे तो हल्का हल्का गर्म पानी भी डाल सकते हो। सब रेडी हो जाने के बाद सबसे पहले हम इस बटन से कपड़े सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन से कैटेगरी के कपड़े धोना है। अभी हमने नॉर्मल कपड़े डाले हुए हैं तो हम नॉर्मल पर ही नॉब को सेट कर देते हैं। चलिए अब वॉश टाइम सेट करते हैं। अभी हमने 10 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। आप चाहे तो 15 मिनट भी लगा सकते हो। इस तरह कपड़े धोने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये मशीन 10 मिनट तक कपड़ों को धोते रहेगी। आप चाहे तो डबल टाइम भी लगा सकते हो वॉशिंग के लिए। अगर आपको 10 मिनट का टाइम कम लग रहा है तो ये बटन 0 पर जाने के बाद आप इसको फिर से 10 या 15 मिनट पर लगा सकते हो, मतलब डबल वॉशिंग के लिए। आप देख सकते हो 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर एक बजर बज रहा है। जैसे ही बजर बजता है हम इस बटन को हल्का सा घुमाकर बजर को बंद कर देंगे। अब ये जो गंदा पानी है इसे बाहर निकालना है। इसके लिए हमने पीछे आउटलेट पाइप नीचे ज़मीन पर डाला हुआ है और इस वाले बटन को ड्रेन पर लाकर पानी को हमें बाहर निकालना है। ये जो 3 नंबर का बटन है इसको इस तरह से घुमाइए तो मशीन में से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। जब तक मशीन में से पानी बाहर निकलता है तब तक इस बटन को ऐसे ही रहने दीजिए। पानी पूरा निकलने के बाद
बटन को सीधा कर दीजिए। पहला पानी बाहर निकलने के बाद अब कपड़ों को खंगालने के लिए हमें फिर से उतना ही पानी भरना है। आप खंगालने के लिए प्रोसेस 2 या 3 बार कर सकते हो। साथ में हमने इनलेट वाला पाइप भी नल से जोड़ा हुआ है ताकि हम पानी जल्दी भर सकें। फिर से हमने 10 से 12 मिनट लगा दिए कपड़े खंगालने के लिए। मशीन में कपड़े घूमते रहते हैं तभी हम नल भी ऑन रखते हैं ताकि कपड़ों के ऊपर जो भी पाउडर हो तो वो पानी में मिल जाए। जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो एक बजर बजने के बाद हम इस बटन को हल्का सा घुमाकर बंद कर देते हैं और ये जो पानी है इसे हम फिर से यहाँ से ड्रेन कर देंगे इस बटन को ड्रेन पर लाकर। मशीन में से पूरा पानी बाहर निकलने के बाद में फिर से इस बटन को हम सीधा कर देंगे और नल को हम ऑन कर देंगे ताकि हम फिर से एक बार और लास्ट वाला पानी भर सके। ये लास्ट प्रोसेस है, मतलब एक बार धोने के लिए और 2 बार खंगालने के लिए, ऐसे टोटल हमें 3 बार पानी लेना होता है। इस वीडियो में भी हमने 3 बार पानी लिया हुआ है और ये पानी अभी 3री बार होता है। थोड़ा पानी भरने के बाद हम टाइम सेट कर देंगे और फिर से पानी भरते रहेंगे। 10 मिनट लगाने के बाद हम नल ऑन रखेंगे ताकि पाउडर जो भी बचा हुआ है कपड़ों के ऊपर वो पानी में अच्छे से घुल जाए और कपड़ों में कोई पाउडर ना रह पाए। थोड़ी देर के बाद हम नल को बंद कर देंगे और कपड़ों को अच्छे से खंगालने देंगे। चलिए, टाइम ख़त्म होने में आया है और ये बजर बजते ही हम इस बटन को हल्का सा घुमाकर बंद कर देंगे हमेशा की तरह और फिर यहाँ से पानी ड्रेन कर देंगे। पूरा पानी निकलने के बाद इस बटन को फिर से सीधा कर देंगे। अब कपड़े सुखाने के लिए हमें इस टब में कपड़े डालना है। ध्यान रखिए, कपड़े डालते समय एक एक कर कपड़ा खुला करके डालना है ताकि मशीन अनबैलेंस ना हो और टब के कैपेसिटी के हिसाब से ही कपड़े आपको इसमें डालना है जितना टब में आ सके। और यह सेफ्टी जाली जो होती है ये हमें कपड़ों के ऊपर रख देनी है ताकि कपड़े बाहर ना आ पाए। पूरे टब के अंदर जानी चाहिए ना कि टब के बाहर। डोर लगाने के बाद हम यहां से कपड़े सुखाने के लिए 10 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे। अभी मशीन का स्पिन शुरू हो चुका है। स्पिन करते समय मशीन ज़्यादा हिले नहीं, इसलिए कपड़े डालते समय एक एक कपड़ा खुला करके डालना है। जैसे कि आप सामने मशीन का बैलेंस देख रहे हो, मशीन बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। अभी लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं और 3 मिनट के बाद कपड़े सुखाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। चलिए, मशीन में से कपड़े निकाल कर देखते हैं हमें कैसा रिज़ल्ट मिला है। चलिए, सबसे पहले इस सेफ्टी जाली को निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम कपड़े को चेक करते हैं। कपड़ों का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है और कपड़े अच्छी तरह से ड्राई भी हुए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए रिजल्ट आपको कैसा लगा। और जैसे कि जिस तरह से हमने सारी प्रोसेस आपको बताई है, आप इस तरह से कपड़े धोते हैं तो आई होप आपको कपड़ों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। इस प्रोसेस से कपड़े भी अच्छे ड्राई होते हैं और मशीन को भी इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर आपको ये मशीन न्यू परचेस करनी है तो ये मॉडल 5 स्टार की रेटिंग में आता है। इसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ नीचे देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो और वहाँ पर आपको इसकी प्राइस भी जानने को मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते और साथ ही साथ हम सर्विसिंग की वीडियो भी बनाते रहते। आप हमारे चैनल पर आकर सारी वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।